नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपके हाथ में त्रिशूल है। वैसे तो त्रिशूल देवी देवताओं के हाथ में ही सुशोभित होती है, लेकिन परमात्मा की एक देन है, एक छाप है जो कि किसी न किसी रूप में एक शक्ति दे देता है हर किसी अच्छे आचरण के लिए। परमात्मा हर एक मनुष्यों के हाथ में कभी न कभी एक छाप छोड़ जाता है उसके सच्चाई के लिए, उसके न्याय के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा, जैसे कहते हैं ना कि हमारे मन के विचारों में बताती है, हम किसी कार्य को करते हैं कितनी क्षमता के साथ करते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से ये हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है। और सबसे पहले त्रिशूल परमात्मा का एक नाम है, कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये शक्ति का प्रतीक त्रिशूल माना जाता है। अगर आपके शुक्र के पर्वत के ऊपर त्रिशूल बनता है, ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत, यहां पर त्रिशूल बनता है, काफी शुभ साइन माना जाता है। और यहां पर ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में सारी सुख, भौतिक सुख, खाने से लेकर पीने की जितनी आराम की चीजें हैं सब कुछ प्रदान करता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना अपने जीवन काल में सफेद कपड़ों का काफी इनका मन आकर्षित होता, पहनते हैं और वैवाहिक दृष्टि से देखते हैं तो सारी सुख सुविधा प्रदान होती है। और इसी प्रकार से गुरु के क्षेत्र के ऊपर ये गुरु का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत, गुरु के पर्वत के ऊपर अगर यहां पर त्रिशूल बनता है काफी शुभ फल प्रदान करता है। कहते ना ज्ञानमयी है, ऐसे लोग धर्म कर्म के प्रति काफी उत्साह रखते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो त्रिशूल शुभ ही माना जाता है, और इस पर्वत पे तो ज्ञानमयी बना देता है लोगों को, ज्ञान के एक जैसे ना कहते हैं एक समुद्र में डूब जाता है। ऐसे लोग काफी किसी बड़े बड़े संचालक का काम करते हैं, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारे हो गया, उसका प्रबंधक का भी काम करते हैं। ऐसे लोग इन कामों को कर कर काफी मान सम्मान की प्राप्ति भी करते हैं। और इसी प्रकार से ये शनि के पर्वत के ऊपर त्रिशूल, त्रिशूल यहां पर अगर जैसे आपकी भाग रेखा ना भी हो, अगर ये त्रिशूल है ये काफी शुभ फल प्रदान करता है, और जीवन में जो आय का जरिया है उसको बरकरार रखता है, आपके आय में कभी कमी नहीं रखता है। ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे लोग काफी धार्मिक नेचर के भी होते हैं। और इसी प्रकार से सन के माउंट के ऊपर त्रिशूल का साइन, यहां पर बहुत बड़ा गेम खेलता है त्रिशूल। कहते हैं ना कि अगर यहां पर त्रिशूल का साइन है तो ऐसे लोग मान सम्मान प्राप्ति करते हैं, सरकार के क्षेत्र में अवश्य जाते हैं और बड़ा पद को ग्रहण करते हैं, और अपने जीवन में जो भी सरकार से जुड़े हुए मान प्रतिष्ठा वाले काम है उसमें जुड़े हुए काफी सम्मानीय पद प्राप्त करते हैं यहां पर। इसी प्रकार से ये बुध का क्षेत्र है, बुध का पर्वत, और बुध के पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल बनता है, यहां पर लोग रिसर्च का काम करते हैं, एक वैज्ञानिक का काम करते हैं, और यहां पर
इनके व्यापार करने की काफी सफल कुशलता होती है और ऐसे लोग अपने जीवन काल में एक बड़े बिजनेसमैन भी बनते हैं। और इसी प्रकार से ये राहु के क्षेत्र के ऊपर है, अगर ये त्रिशूल बनता है यहां पर इनकम के कई जरिए बनाता है और ऐसे लोग जो काम मन में ठान लेते हैं कि मैंने करना है उसको पूरा भी करके दिखाते हैं, लेकिन माध्यम इनका कई होता है और जीवन में ग्रोथ भी काफी अच्छी करते हैं। और इसी प्रकार से ये केतु का क्षेत्र है, केतु के क्षेत्र के ऊपर काफी शुभ फल प्रदान करता है। यहां पर कहते हैं कि अगर केतु के पर्वत के ऊपर ये त्रिशूल बनता है तो यहां पर अचानक से धन प्राप्त होता है, जैसे कि लॉटरी से, सट्टे से, शेयर से व सिंह से, इन चीजों का काफी बेनिफिट कराता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।